मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में वाल्मीकि महिला ने लाया पुत्री के साथ दुराचार का आरोप, डीआई से की शिकायत। आपको बताते चले कि थाना फतेहगंज के हरेली अलीपुर निवासी एक वाल्मीकि महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ गांव के लड़के पर दुराचार का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि गांव के मोनू पुत्र विजेंद्र ने उसकी बेटी को जबरन खेत में ले जाकर बुरा काम किया। इसको लेकर ग्राम प्रधान ने फटकार लगाई, माफी मांगकर छोड़ दिया। 4 मई की रात 3 बजे मोनू फिर महिला के घर घुस आया और उसकी बेटी का हाथ पकड़ जबरदस्ती करने लगा। बेटी ने शोर मचाया तो मोनू भाग गया। इस हरकत की शिकायत थाना फतेहगंज पूर्वी में की गई। पुलिस ने मोनू को पकड़ा और थाने ले जाकर छोड़ दिया। उसके प्रार्थना पत्र और अंगूठा लगवा कर प्रार्थना दे दिया। महिला ने आला अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की। 3 महीने पहले उसने गलत काम किया, फिर से जबरदस्ती करके वो घर में घुसा शराब पी के, और फिर अब क्या हुआ? 5 तारीख क्या हुआ? 5 तारीख के लिए जबरदस्ती घुसा, चक्कू रख दिया, बोला तू चीखेगी तो तुझे मार देंगे जान से। तो मैं चिल्ला पड़े, तभी घर वाले उठे, वो तब तक कि उसे देखा तो भाग गया। वो तुम्हारे साथ गलत काम कब हुआ था? जो हो गए 3 महीने। पुलिस के पास गए थे? नहीं, गांव वालों ने कह दिया, वो समझा दिया गांव वालों ने, तभी वो उसने गलती भी अपनी मान ली। वो बोला फिर कभी नहीं ऐसा करेंगे। तो 5 तारीख गए पुलिस को? 5 तारीख के लिए गए थे। फिर? उन्होंने मुंजिम के लिए पकड़ा, फिर छोड़ दिया। कौन लोग हैं, क्या नाम है? उनका नाम है वो पाली है और विजेंद्र का लड़का जी वो मोनू। मोनू और? हम वाल्मीकि। पूरा नाम क्या उनके का? उनको विजेंद्र, और विजेंद्र बाप का नाम विजेंद्र है, बेटा और लड़के का नाम मोनू। क्या लोग थे? वो इकल्ला ही था जब घर में घुसा। मोहल्ले में रहता है? पास में? पास ही में रहता है। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख आपके हौसलों को, दिखाते हैं राह उज्जवल भविष्य की। हम रखते हैं अरमानों की नींव, नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है। एजुकेशन इज अ पैशन।